हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत अच्छी मॉर्निंग हुई है। आज का वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है आज। तो आज मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा सा क्लिप लेती हूँ अपने प्लांट्स का। कल रात में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आज मौसम बहुत अच्छा है। और स्पेशली जब हवा चलती है ना बारिश के बाद, तो ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो उससे मौसम जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत प्लेजेंट मौसम है इस टाइम पे। ये देखिए, कड़ी पत्ते का प्लांट है, ये कितना ज़्यादा ग्रो हो गया है। और ये रेन ले ली है। बहुत सारे, भाई मैंने गार्डनिंग बंद कर दी थी तो बहुत सारे प्लांट्स के तो मैं नाम भी भूल गई हूँ, बीच में मैं थोड़ा बिज़ी रही हूँ। ये लेमन ग्रास है, मेरे हस्बैंड इसको डेली लेते हैं सुबह, एक लेमन ग्रास और लेमन, मतलब लेमन ग्रास हनी, ये सब लेते हैं गर्म पानी के साथ। ये हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है और डाइजेशन के लिए भी। ये एक्जोरा का प्लांट है, ये तुलसी का प्लांट है, और ये मोगरा है, और ये सब शो प्लांट है, और ये टिकोमा का प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग डेली एक फ्लावर आता है। कल रात में बारिश हुई थी तो अभी इसका फ्लावर नहीं आया है, वरना थोड़ी धूप होती है तो इसमें फ्लावर आता है। और ये फुटबॉल ले लिया, इसमें अभी साल में एक बार फ्लावर आता है, और इस बार दो फ्लावर आए थे तो मैं क्लिप लेना भूल गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी इस टाइम लीफ बहुत ज़्यादा है, बस इसकी ख़राबी यही है कि इसमें लीफ बहुत ज़्यादा रहती हैं और फ्लावर सिर्फ साल में एक बार आता है। ये मेरे बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स हैं जिनको मैं पेड़ की छांव में रखती हूँ, तो ये सरवाइव कर जाते हैं। बहुत सारे, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो बहुत सारे प्लांट्स मेरे जल गए हैं, बहुत सारे ख़त्म भी हो गए हैं। ये देखिए, अभी ये धीरे धीरे मैं इसको सही करूँगी तो ये भी अपनी अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। ये देखिए, मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं एक नए घर में शिफ्ट होंगी, जो भी आपको मैं अपडेट करूँगी, तो उसके लिए मैंने अपने प्लांट्स की कटिंग लगाई है। ये हिबिस्कस की कटिंग लगाई है और ये देखिए हो भी गई है, लीफ आ गई है ना इसमें। ये मैंने पिछले संडे लगाई थी और इसमें लीफ भी आ गई है। और ये कड़ी पत्ते की कटिंग लगाई थी, इसमें भी लीफ आ गई है। ये देखिए, मैं जो भी कटिंग लगाती हूँ उसमें मतलब सक्सेसफुल रहती हैं ऑलमोस्ट 90%। और ये सब मेरे हस्बैंड करते हैं कटिंग वाला काम, क्योंकि मैं कटिंग उनके हाथ से बहुत अच्छी लगती है तो मैं उन्हीं से लगवाती हूँ, बाकी सारा काम मेरा है। ये देखिए, जब भी मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगी तो मैं इस मैंगो ट्री को बहुत मिस करूँगी, क्योंकि इसकी जो शेड है ना, वो मेरे घर को गर्मियों में बहुत ठंडा रखता है। और गर्मियों में आम आता है तो अचार डालने में बहुत मतलब टेस्टी होता है, तो मैं इस आम के पेड़ को बहुत मिस करने वाली हूँ। बहुत ह्यूज प्लांट है, मतलब ट्री है। ये देखिए, बारिश के बाद जब हवा चलती है और पेड़, तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वो तो आप देख ही पा रहे होंगे, इनका ग्रीनरी कितना अच्छा लग रहा है। और वही चीज़ गर्मियों में कितनी ख़राब लगती है कि एकदम जले जले से प्लांट हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैं अपने प्लांट्स को नहीं देख पाई हूँ, जिसकी वजह से इनमें पत्ते वत्ते रह गए हैं। बहुत टाइम बाद मैंने गार्डनिंग फिर से शुरू करी है। ये देखिए, क्रोटन का प्लांट है ये, और ये है क्रिसमस ट्री। देखिए कितना लॉन्ग हो गया है, इसकी भी मुझे कटिंग करनी है, जो लीव जल गई हैं इसको भी मुझे हटाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ ये सब काम। बहुत टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, लॉन्ग क्लिप बना रही हूँ, पूरे गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, सिंगोनियम को, नहीं सॉरी मैं तो भूल ही गई हूँ नाम भी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ज़ुबान पे नहीं आ रहा है अभी इसका नाम, आएगा तो मैं बताऊँगी, अभी एकदम दिमाग से मेरे उड़ गया इसका नाम। ये सब क्रोटन है, और ये बनाना ट्री है, ये रबड़ प्लांट है, और ये लैला मजनू बोलते हैं। आई डोंट नो इसको लैला मजनू क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है। मैंने क्रोटन्स की दो कटिंग लगा रखी हैं, देखिए एक ये है और ये ह्यूज प्लांट ये है। ये सब मैं अपने घर में शिफ्ट करूंगी जब, तो इनको ज़मीन पे लगा दूंगी तो और अच्छी ग्रोथ होगी इनकी।
ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो ये कुछ कटिंग्स ये वाली नहीं हुई हैं, मे बी हो सकता है हिल गई हूँ या फिर जो भी रीज़न हो। मनी प्लांट देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और ये बाहर गार्डन कभी कभी स्नेक्स आ जाते हैं तो मैं बहुत कम जाती हूँ यहाँ पर, लेकिन आज मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ कितना ग्रीन हो रहा है। मैं ये सब लॉन ये सब चीज़ें जब मैं अपने घर में शिफ्ट होंगी तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। लॉन तो मेरे घर में भी होगा लेकिन गवर्नमेंट क्वार्टर्स की बात ही अलग होती है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये टाउनशिप है तो यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये सब प्लांट्स मैंने जो ज़मीन पे आप देख पा रहे हैं ये सब मैंने खुद से लगाए हैं, इनकी ग्रोथ ये देखिए, ये सब जो बॉटल पाम हैं बड़े बड़े ये भी मैंने खुद से लगाए हैं 8 साल पहले। ये मेरी 8 साल की मेहनत है, जब मैं इसको छोड़ के जाऊँगी तो सोचिए मैं कितना अफसोस करूँगी कि मेरी खुद की मेहनत मैं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, पेड़ कोई और लगाता है फल कोई और खाता है, ये तो कहावत ही है। ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बरसात के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और ये देखिए रोज़ प्लांट जिसमें छोटे छोटे रोज़ेस आना शुरू हो गए हैं, पता नहीं बरसात में क्यों आते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं आते मेरे फ्लावरिंग प्लांट में रोज़। और उधर देखिए उधर तुरई की लीफ, तुरई की जो पेड़ है वो दिख रहा है, उसमें तुरई भी आई हुई है, हर बार आ जाती है। ये गैस का चूल्हा जो मेरा ख़राब हो गया था उसको भी मैंने भी बाहर ही रख दिया है, सब कुछ आपको दिखा रही हूँ मैं एक नेचुरल। ये देखिए जेड प्लांट है, ये भी दबा हुआ सा है, इसको भी मुझे निकालना है। ओह माय गॉड, देखिए बाइक बहुत खूबसूरत सा हिबिस्कस खिला था जो अभी बारिश से ख़राब हो गया, आप देख पा रहे होंगे, कोई नहीं दोबारा आएगा तो हम इसको अंदर रख लेंगे शेड के नीचे। ये था मेरे गार्डन का एक ओवरव्यू, बरसात के बाद बहुत अच्छा मौसम हो गया है तो आज मैंने सोचा कि अच्छा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, बहुत टाइम से मैंने ओवरव्यू नहीं लिया था। चलिए फिर मिलूँगी मैं आपसे एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, बहुत अच्छे थॉट के साथ, फिर तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए सबके साथ। बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ़।